हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, तो सुरेश राजे जी का साथ दीजिएगा। मैं और सुरेश राजे जी आप के क्षेत्र के लिए, ग्वालियर चंबल के लिए मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। हम नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, किसानों के लिए एक नई नीति बनाएंगे, नया नक्शा बनाएंगे, और मध्य प्रदेश की ऐसी पहचान बनाएंगे जहां लोगों को विश्वास होए मध्य प्रदेश की तुलना मिजोरम से ना, त्रिपुरा से ना हुए, मध्य प्रदेश की पहचान बड़े बड़े प्रदेशों से हुए, ताकि हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। आज जब पूरा देश नवदुर्गा उत्सव के अंतर्गत मातृशक्ति की आराधना कर रहा है, उसके पैर पूज रहा है, तब दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी घटिया और निकृष्ट मानसिकता का परिचय डबरा की कांग्रेस की सभा में दिया है। उन्होंने वहाँ की प्रत्याशी और शिवराज सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है कि मैं उन्हें दोहराना नहीं सकता, मेरे ये संस्कार नहीं है। ये कांग्रेस को हो क्या गया है? इससे पहले दिग्विजय सिंह जी ने अपनी ही सांसद को टंचमाल कहा, और अब कमलनाथ जी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस मंत्री के लिए जो कमलनाथ जी के काबिना की भी सदस्य थी, सम्मानित सदस्य थी, आज शिवराज जी की काबिना की सदस्य हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अगर कमलनाथ जी में हिम्मत है तो माननीय सोनिया जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, बहन प्रियंका को भी बताएं कि उनकी मानसिकता कैसी है, वे उनसे दूर रहें। मैं महिलाओं से, बहन बेटियों से नवरात्रि पर यह अपील करना चाहता हूं कि कमलनाथ का इंतजाम करें, इलाज करें, उसकी मानसिकता का इलाज करें। जहां भी कमलनाथ जाएं, महिलाएं टूट पड़ें, ऐसे बदतमीज आदमी को सबक सिखाने का समय आ गया है। निश्चित तौर पर हम चुनाव आयोग में जा रहे हैं, चुनाव आयोग को इसकी शिकायत करेंगे, लेकिन इसकी सजा समाज देगा, विशेषकर महिला बहन बेटियों का जो समाज है वो कमलनाथ को सबक सिखाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।